हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? सो हनी बनी का ब्रेकफास्ट हो गया है एंड मैं किचन में आई थी लंच की तैयारी करने के लिए, बट किसी किसी दिन मेरे अंदर सफाई की आत्मा आ जाती है तो मैं बहुत कुछ क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कल का दिन भी वही था जब मैंने घर डीप क्लीन किया था। अभी मैं हनी बनी के टॉय रूम को अच्छे से क्लीन करके आई। मेरा ब्लॉग बनाने का कोई भी मूड नहीं था आज, खाली क्लीन करने का मूड था। बट जब मैं फ्रिज मैंने खोला कुछ सब्जी निकालने के लिए ना, खाना बनाने के लिए, तो मन किया चलो फ्रिज भी डीप क्लीन कर लेते हैं। लास्ट मैंने फ्रिज डीप क्लीन किया था जब हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, तब सारा सामान निकाला था तो अच्छे से क्लीन किया था। उसके बाद से जैसे वीक में 15-10 दिन में ऐसे जो हल्का सा सेल्फ्स वगैरह क्लीन कर लेते हैं कपड़े से, वैसे ही मैं करती थी, डीप क्लीन नहीं किया था। तो अभी मैंने सारा जो भी सेल्फ्स से डोर के वो सब निकाल दिए हैं, उसको तो नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड से मैंने माँज दिया है। एंड जो फ्रिज के अंदर का है तो वो मैं पानी में थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोडा एंड लेमन जूस वो ऐड करके उसको मतलब कपड़े से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। लेमन जूस से बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस भी आता है एंड ये जो विनेगर एंड सोडे से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है फ्रिज। तो नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ मैं, मतलब महीने 2 महीने में एक बार ऐसे डीप क्लीन करती हूँ, वरना नॉर्मली 10 दिन में ऐसे खाली सेल्फ्स वगैरह जो वो क्लीन कर लेती हूँ। तो किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा साफ सफाई काम करने का मन करता है, किसी किसी दिन अच्छे से बहुत अच्छा खाना बनाने का मन करता है एंड किसी किसी दिन कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बट चाहे मन करे ना करे, हम लेडीज़ हाउसवाइफ को तो डेली मतलब घर का काम तो करना ही पड़ता है। बट अच्छी बात है अगर मन करे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है बट उसके बाद जब अच्छे से सब साफ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को एक बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरी फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग हो गई, अभी ये सब मैं वॉश कर दूंगी एंड जो चीज़ें जैसी थी उसको अपनी अपनी जगह पर सब रख दूंगी। सो फाइनली फ्रिज की क्लीनिंग यहाँ पे हो गई है, तो जो सामान जहाँ पे था वही मैंने रख दिया है। मैं ज़्यादा कुछ हाईफाई ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती हूँ, बहुत मिनिमम सामान मैं फ्रिज में रखती हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फ्रीज़र वाला सेक्शन मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक फ्रिज बंद था, तो कहीं सामान ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी ये थोड़ा सा क्लीन रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऊपर वाले सेक्शन में आपको सबको पता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था, खाली चॉकलेट्स रहते हैं। नीचे वाले में खाली फ्रोजन फिश, फ्रोजन चिकन यही सब रहता है एंड डोर्स में मसाले रहते हैं, तो ये क्लीन रहता है। फिर कभी मैं वरना क्लीन कर दूंगी। What are you doing, honey bunny? I'm playing monster car. You're playing monster car? Where are you going? I'm going car shop here. Car shop? This is car shop. Wow. You don't want chocolate? I want to buy surprise chocolate. Surprise chocolate for whom? A big chocolate surprise. I will open it. Chocolate surprise for whom? पीछे तो फिर भी करते हैं इधर। Toy shop, toy shop, you in toy shop? Hey, it's me. Okay, super, super. Huh?
गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? हनी बनी सो गए तभी हम लोग थोड़ा धीरे बात कर रहे हैं। गाड़ी में बैठते के साथ ही सो जाता है, आपको पता है। तो सुबह के बाद मैंने और कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। अपसेट नहीं मतलब, हाँ ठीक है तो क्या बोलो एक्चुअली क्या हुआ है ना, जो कुछ दिनों से मैं अपना चैनल का, जो मैंने बोला था ना कि चैनल का लिंक आप लोग शेयर कीजिए, मैं पिन करूंगी। कुछ नहीं है, नेकी कर और दरिया में डाल वाला सीन हो गया है तो बेचारी को थोड़ा सा हिटबैक हुआ है। हिटबैक नहीं मतलब क्या बोलू, मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ फिर आप लोग जज कर सकते हो कि क्या हुआ है तो मैंने जो चैनल का लिंक पिन करना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद कोई कोई बोल रहे थे कि दी आपने हेल्प किया बट उससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। बट उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आप सबको सबकी वीडियो कभी कभी कहीं किसी को मेरी वीडियोस भी किसी को पसंद नहीं आती, किसी को पसंद आती है तो उसके बाद फिर ऐसे करके बैठ जाती घर में थोड़ा ये करके इधर से नहीं, वो अलग बात है, वो मैं समझती हूँ क्योंकि पता है कि हाँ कोई कोई ऐसे थोड़ा सा डेस्परेट हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए हमारा चैनल, वो अलग बात है। बट अब क्या हो रहा है, मेरे परमिशन के बगैर मेरा फोटो, मेरे चैनल का नाम सब कुछ शेयर कर रहे अपने हमारे चैनल का नाम मतलब थंबनेल में मैं नॉर्मली मुझे पता नहीं चलता, उनका ब्लॉग मैं फॉलो करती हूँ इसी वजह से मुझे पता चला कि मैंने अचानक से सुबह काम सब खत्म करने के बाद यूट्यूब खोला तो देखा मेरा थंबनेल है, मेरी फोटो लगी है, दो दो फोटो, एक गुस्से वाली और एक अच्छी वाली, और उसमें लिखा कि देखो इस यूट्यूबर ने क्या किया मेरे साथ मतलब मैंने क्या कर दिया किसके साथ, खुल के देखा तो मतलब अच्छा है बट विदाउट परमिशन। अब आई थिंक उनको पता नहीं है, या आई थिंक जो जो न्यू यूट्यूबर्स है कुछ उनको शायद पता नहीं है कि ऐसे आप बिना परमिशन के किसी का नाम, किसी के चैनल का नाम, किसी का मतलब फेस आप यूज नहीं कर सकते। क्या हुआ? यूज नहीं कर सकते, वरना लोग होते हैं जो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आने से ना यूट्यूब आपका चैनल डिलीट भी कर सकता है, तो प्लीज आप ना ये सब विद परमिशन कीजिए। परमिशन से अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। हमारी मैडम थोड़ी ज्यादा दयालु है, ये स्ट्राइक स्ट्रुक नहीं करती है, मैं चाहती नहीं, शायद उनको पता नहीं होगा, फिर उनको लोगों को खुद बाई जाके खुद से उनको पिंग करके बता के कि प्लीज टेल मी योर कोऑर्डिनेट जहाँ पे हम लोग बात कर सके, आपको बताऊं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं वो सब चीजें। बट नए सारे यूट्यूबर्स को एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो पता होना चाहिए। आप जब चैनल ओपन करते हो तो आई अग्री करके एक आता है, वहां पे आप जाओगे तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो कर, उसको पढ़ लीजिए एक बार, कम से कम पढ़ लीजिए। बहुत बार हम लोग भी करते हैं बिना पढ़े उसको आई अग्री कर लेते हैं, बट एटलीस्ट ये पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है मैंने आज नहीं किया है कॉपीराइट स्ट्राइक, हो सकता है कल आप किसी और के ऐसा कर दो ना आपका वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा वो बात। तो ऐसा मत करो यार, मैं अपने तरीके से जो मैं हेल्प कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, ऐसे बिना मतलब आप चोरी छुपे ये सब काम मत करो यार, ये अच्छा नहीं होता है। एक बार तो बस यही बोलना था कि प्लीज आप, मैं जैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करूंगी, एंड प्लीज इसका आप ना यदि आपका चैनल का नाम पिन करे तो इसको प्लीज पिन मत करो बेचारी को चुभता है तो ये है, तो प्लीज आप ऐसा मत करो, जैसे मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगी, उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली मैं उससे ज्यादा बढ़ के तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और ना ही मैं चैनल पिन कर दूंगी, प्रमोट कर दूंगी तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। एक चीज है, मतलब शॉर्टकट मत अप्लाई, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, फिर भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप कोई दूसरा जिस फील्ड में अच्छा कर रहा है अभी उस फील्ड में अच्छा करो। Exactly. हो सकता है कि आपकी कुछ अलग खूबियां हो, आपके कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट हो, आप कुछ यू नो एक्सट्रोवर्ट टाइप के हो, या आप फाइनेंस की दुनिया के बहुत बेताज बादशाह हो, या आप टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह हो, तो आप वो सब चीजें देख सकते हैं आप किस में बेस्ट हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल इफ अर्चना मे बी डूइंग यू नो एवरेज और गुड और वेरी गुड वट एवर इन हिज ब्लॉग एंड ऑल दो स्टफ, सो आप उसी चीज में अच्छा करो। हो सकता है आप अपने जिस चीज को ऊपर वाले ने आपको नवाजा है आपके टैलेंट से, अब उस चीज से रिलेटेड को चीजें को करोगे, पैशनेटली करोगे, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे रादर देन मतलब आई डू नॉट नो मतलब ओवरली। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ टाइम तक जब आपको नहीं आएंगे
चैनल ग्रो उस तरीके से नहीं करेगा फिर यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल यू नो हाफ वे में आप छोड़ दोगे, और किसी भी चीज को हाफ वे में छोड़ना सही नहीं है। तो पूरा दृढ़ निश्चय करके आओ और काम करो, या तो फिर मत करो। मतलब मेरा मानना तो ये है। नहीं नहीं, ये तो है ही, जिसमें आपको आपको ना अपना वो ढूंढना पड़ेगा कि आप किस में अपना बहुत वो अच्छा। क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करना, अपना वो अपना टैलेंट। देखा मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट, वैसे आपका क्या टैलेंट है? मेरे अंदर ब्लॉगिंग का टैलेंट है ये नहीं मैं बोल रही हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे थोड़े बहुत व्यूज हो जाते हैं, बट ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ये टैलेंट है। मुझे पता है कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है। इसका पहला ब्लॉग देखता हूँ ना, ऐसे डरी डरी सेमी सेमी बोल रही थी, हाय गाइस देखिए ये आप, इसको कैमरा पकड़ना भी नहीं आता था। इसने पहला जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो वर्टिकल उसमें वीडियो बनाया हुआ है। और मैंने जब पहली बार देखा आई थिंक 3-4 महीने के बाद, तब जाके देखा मैंने, अरे ये पगली क्या कर रही है। मैंने आज तक ना यूट्यूब के लिए ना कैमरा खरीदा है ना लैपटॉप खरीदा है, मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, लेकिन नए यूट्यूबर्स को मैंने सोचा था जब मेरे 100 के हो जाएंगे तो मैं कैमरा ब्लॉगिंग कैमरा खरीदूंगी एंड एक लैपटॉप खरीदूंगी, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा काम करूँ, थोड़ा लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम करूँ। बट नहीं, लेकिन न्यू यूट्यूबर जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी चीज ये जानने की है, जो ज्ञान ऑफ द डे, एवरीबडी विल नॉट कम एंड टेल यू कि आप ऐसा कीजिए आप ऐसा मत कीजिए। ये आपको वही बताएगा जो आपके लिए फिक्रमंद है। फॉर एग्जाम्पल आई रियली लाइक जब उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे, आई ट्राई टू रीच हर एंड उसको बताया कि आप ऐसे मत कीजिए वरना कॉपीराइट वो होता है। अगर मैं कॉपीराइट वो अगर यूट्यूब मुझसे पूछे या मैं ओके बोलूँ तो फिर हो सकता है चैनल डिलीट कर दे। बहुत सारे यूट्यूबर्स दे डू नॉट गिव अ डैम कि अच्छा कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो यू नो हम लोग भी बहुत सारों को जानते हैं जो लोग आप कमेंट करो तो रिप्लाई करते हैं और अच्छा लगता है, तो अच्छी चीजें मिलती हैं। मैंने रुक तो जाता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि तो जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप किसी और का कोई और चीज डालो तो दे मे नॉट कम एंड टेल यू बैक, दे विल डायरेक्टली पुट अ कॉपीराइट स्ट्राइक एंड अगले दिन आप देखो अरे भैया मेरा चैनल कहाँ गया भाई। तो अचानक गायब हो जाए तो उससे बेटर है कि आप चीजों का ध्यान रखें और उस हिसाब से। मैंने जब उनको बताया उसके बाद मुझे कुछ क्योंकि मुझे उनको पर्सनली कांटेक्ट करने का कुछ भी जरिया नहीं था, तो मैंने जब उनको बताया वहां से थोड़े टाइम के लिए कुछ भी नहीं आया था रिप्लाई, तो मैंने बस रिपोर्ट किया था। आपको बिलीव नहीं होगा, फटाक से यूट्यूब से मेल आ गया कि क्या हुआ है, क्या किसने आपका वो किया है, फटाक से अगर कॉपीराइट क्लेम करना है तो ये लिंक है, कॉपीराइट स्ट्राइक है तो ये लिंक है, या को क्या कुछ भी है तब उसको रिपोर्ट कीजिए। YouTube Google इज अ वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज एंड वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे मेक श्योर कि अच्छा जो एटलीस्ट हार्ड वर्किंग पीपल हैं राइट हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट सम कंटेंट, जो कोशिश कर रहे हैं या जो कंटिन्यूसली YouTube के साथ पहले भी एक बार हमारे साथ हुआ था पता है, एक साथ में एक साउथ इंडियन न्यूज चैनल है तो वहाँ के साउथ इंडियन एक सेलिब्रिटी है तो उनको ना ट्विंस बेबी हुआ है, तो न्यूज चैनल पे उनको ओरिजिनल फोटो नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटी है तो उनको बच्चे के फोटो स्टार्टिंग में थोड़ी दे देंगे। उन्होंने हनी बनी की फोटो मैंने ऐसे पकड़ा है और इसकी मेरी मुंडी फोटो में इसकी मुंडी उड़ा दी और हनी बनी का फोटो डाल दिया कि उस सेलिब्रिटी को ये ट्विंस हुए हैं, तो मुझे पता नहीं था मेरे किसी क्योंकि मुझे तो वो कुछ तेलुगु में था या ऐसा कुछ था, मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा दी देखो आपका हनी बनी का फेस किसी ने यूज किया है अपने न्यूज चैनल पे, तो मैंने जाके वहाँ पे बताया फिर क्या हुआ था मुझे याद भी नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ कॉपीराइट करा के उधर से डिलीट कराया था और न्यूज चैनल वालों को कुछ भेजा था उन्होंने, बट जिस टाइम पे यू वर ऑल्सो मतलब चैनल वॉज जस्ट स्टार्टिंग आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा ही कुछ वो हुआ था। तो जो भी हो ऐसे मतलब ऐसे किसी आप किसी और का फेस या नेम तो नहीं डाल सकते ना विदाउट परमिशन, कोई भी नहीं कर सकता, आप जिसको जानते भी नहीं हो और वो कैसे आप कर सकते हो। तो एनीवे जो भी हो उसके वजह से मैं थोड़ा एक्चुअली वो सब मेल्स आया फिर मैंने यूट्यूब को कॉन्टेक्ट किया नहीं मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना है उस चीज में ना पूरा दिन मेरा आज निकल गया, तो मैंने अभी सोचा हूँ जिसको तो चलो थोड़ा बाहर घूम के थोड़ा फ्रेश एयर तो अच्छा लगेगा, चाय पिया और चेहरे पे मुस्कान आई, कोई बात नहीं यार लोगों से ऐसा नहीं है बट उनको शायद पता नहीं होगा, तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लीजिए। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था मैंने बस रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे एंड एडिटिंग सीखा था और मैंने कुछ नहीं किया था, बस वीडियो मैं बनाती गई ना मैंने किस
ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बस रूल्स पढ़े थे एंड एडिटिंग सीखा था, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी ना, आपने देखा होगा मैं किसी के वीडियो पे ना जाके कमेंट करती हूँ, ना लाइक करती हूँ ना डिसलाइक करती हूँ। मुझे हाँ किसी का बर्थडे विश करना हो, किसी को एनिवर्सरी विश करना हो, तो वो मैं खाली जाके कर देती हूँ। एंड बहुत ज्यादा मुझे वीडियो पसंद आया तो वेरी नाइस करके छोड़ देती हूँ ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार बच्चों के साथ ब्लॉग्स बनाना, घर संभालना, इतना टाइम नहीं होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे इसको एंड करेंगे। हनी बनी तो पीछे सो गए, ये देखिए ओ ओ ओ ओ उठा अपने फेवरेट जगह पे, इस जगह पे ना उनको, तो हम लोग कभी अगर लॉन्ग, ये मुझे बोले क्या सलाला ना जाने के लिए, सलाला बोल रहे थे जाने के लिए, जो कि 14-15 घंटे की ड्राइव है, तो हनी बनी कंटिन्यूसली सो जाएंगे। चलो एक बार चीजें खुलती हैं तो लेट्स डू दैट। यस, बाकी न्यू यूट्यूबर्स को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से करें, काम करें, एंड डेफिनेटली जो भी हेल्प हो पाएगी आप ना मेहनत की, डेफिनेटली डू, एंड यू मे आस्क कि क्या कर सकते हैं, मे बी इन केस अगर सेम फील्ड से हो तो हम बता सकते हैं, सेम फील्ड से नहीं है तो शायद। मैंने उनको बताया भी है कि अच्छा कैमरा को अच्छे से होल्ड तो कीजिए, बहुत ज्यादा मतलब शेकिंग हो तो छोड़ो, वो तो अलग बात है। तो आप मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आपको मतलब सक्सेस मिलेगा, अगर नहीं मिले तो मतलब ये आपकी डेस्टिनी नहीं थी, आपके लाइफ में कुछ और लिखा है आप और कुछ अच्छा कर सकते हैं और दूसरे डायरेक्शन में चलिए तो हर चीजें अरे भाई आप सीधे चलते रहिए, मेहनत कर रहे, उस पे कुछ नहीं मिल रहा तो भैया राइट टर्न ले लो, लेफ्ट टर्न ले लो, फिर दूसरे डायरेक्शन में चलो। कुछ नहीं मिल रहा है तो मतलब आपके लिए लाइफ ने और कुछ सोचा है, और कुछ अच्छा सोचा है, तो आप उस चीज पे जाइए अपना टैलेंट। जैसे ये अपना टैलेंट इंजीनियरिंग में दिखा रही थी, इन्फोसिस में जाके इसने तीर मारे, एक भी निशाने पे नहीं लग रहा था। सुनो, अरे निशाने पे नहीं लग रहा था, अरे मतलब तीर मारे मतलब जो तेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल है। हाँ, देखो मैंने जो इन्फोसिस में आपको पता होता है, पता होगा कि इतनी परेशान थी, मैंने पैसे भी कमा लिए, अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन मजा नहीं आ रहा। मैं कहा भाई क्या मजा चाहिए तेरे को, चलो घुमा के ले। उसके बाद दुबई आ गए ना हम लोग, हो सकता है धीरे धीरे मजा आने लग गया। जैसे इसने अपनी इन्फोसिस की नौकरी छोड़ी, इसको मजा आने लग गया जिंदगी में, फिर ये खुली पतंग की तरह इधर से उधर लहराती रही और फाइनली यूट्यूब चैनल, मतलब इतनी मेहनत करके मैंने वो सब लेबल्स का सब एग्जाम्स होता है ना वो सब क्लियर किया मैंने, बट फिर भी जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं होता ना, कितना भी अच्छा हो जाए, जबकि जब मैंने मतलब दुबई आ रहा था, हमने छोड़ा था वो उस बैच में, टॉप 10 में से मैं एक थी बट फिर भी वो किसकी वजह से, मेरी वजह से, मैंने तो मोटिवेट किया था कि यू शुड नॉट लीव इट इन बिटवीन। नहीं मुझे इसने क्या किया, मुझे जस्टिफाई करने के लिए सारे क्लियर वगैरह करे अपना, क्या नाम है, जूनियर क्या था तेरा टाइटल उस टाइम पे, जूनियर से तू नॉर्मल वो कुछ हो गई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो छोड़ो, एक्चुअली क्या ना उस टाइम पे जीत को अलग, नई शादी थी, अलग अलग रह के 6 महीने हो गए थे हम लोग, अलग अलग रह रहे थे, मतलब मैं तो मजे कर रहा था खैर, लेकिन फिर आप घर में रह रहे थे, तो फिर इसने बोला कि नहीं भाई अकेले कैसे मजे करेगा, तो इसने उठ के उसके बकवास, खुद दुबई आ गए तो मैं क्या उधर पड़ी रहती, तेरे को भी मजे करने आने थे। तो चलिए गाइस फिर बात करते करते फिर हम दोनों के साथ में बात करते रहेंगे, टॉपिक लगाएगी फिर टॉपिक निकलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अभी घर चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं अभी, सरप्राइज, हाँ उनका सरप्राइज, हनी बनी का सरप्राइज लेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, हनी बनी का हेयर कट होगा। बाय बाय।